हेलो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में काम करते हैं और आपके पास एक आयुष्मान भारत का कार्ड है और आप किसी भी यूनिट हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद जो दवाई बाहर से खरीदते हैं उसका क्लेम आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आखिरी तक हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम PMJAY का जो TMS पोर्टल है वहाँ पे चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे हम एक टर्म सर्च करेंगे tms.pmjoy.gov.in। ये जैसे ही सर्च कर देंगे कुछ सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस सर्च रिजल्ट में से जो पहला सर्च रिजल्ट आ रखा है, जिसे देखिए आप देख सकते हैं, आयुष्मान CAPF रीइंबर्समेंट, ये वाला लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आप वेबसाइट देख सकते हैं https://tms.pmjoy.gov.in। इस लिंक के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन है आपको दिखाई देगा, इनमें से जो CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे CAPF रीइंबर्समेंट लॉगिन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिलेक्ट लॉगिन टाइप के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ पे लॉगिन टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे दो प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, एक आयुष्मान आईडी, एक फोर्स आईडी। मैं फिलहाल फोर्स आईडी से लॉगिन करना कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब लॉगिन हो गया ना, कभी कभी आपको आपका जो फोर्स नंबर आयुष्मान आईडी वगैरह इनवैलिड दिखाएगा, तो घबराइए मत, क्योंकि कभी इसका साइट का प्रॉब्लम चलते रहते हैं, बाद में फिर ट्राई कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे आपको फोर्स नंबर डालना होगा, तो आपका फोर्स नंबर यहाँ पे डालिए और यहाँ पे फोर्स टाइप सिलेक्ट करना होगा, ITBP, CISF, CRPF, BSF, जो भी आपका फोर्स है वो सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे अपना फोर्स आईडी डाल देता हूँ और जो मेरा फोर्स है CRPF वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया, फिर हमारे को गेट OTP के ऊपर क्लिक करना होगा, तो हम अभी गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, एक OTP जो मोबाइल नंबर हमारा फोर्स के साथ लिंक है तो वो मोबाइल नंबर में चला जाएगा। यहाँ पे OTP डालना होगा और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जगह पे डालना होगा और फिर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे वो चीजें कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे जो OTP मिला था वो डाल चुका हूँ और कैप्चा कोड भी डाल दिया हूँ, फिर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं जैसे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देगा, आपका फोटो वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको पेशेंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, आपका परिवार में जितना आपका डिपेंडेंट वगैरह का कार्ड है तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरे को खुद के लिए ही क्लेम करना है, तो इसलिए मेरा नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, देखिए। और फिर रीइंबर्समेंट टाइप के ऊपर हमारे को क्लिक करना है और यहाँ पे कौन सा क्लेम आपको करना है, आउट पेशेंट डिटेल्स, मतलब OPD का डिटेल्स, अगर आपको OPD का क्लेम करना है तो आउट पेशेंट डिटेल्स आपको क्लिक करना होगा, और इन पेशेंट डिटेल्स अगर पार्शियल, आधा, अगर आधा पैसा आपका फ्री में हो रखा है, आधा पैसा खर्चा किया एडमिट हुआ लोग, तो इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और इन पेशेंट डिटेल्स फुल, अगर आपको फुल्ली आपको IPD का क्लेम करना है तो इसको क्लिक करना सिलेक्ट करना होगा। तो हम अभी आउट पेशेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए आउट पेशेंट डिटेल्स सिलेक्ट हो गया, फिर हम रेस क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपका एड्रेस वगैरह, आपका बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सभी दिखाई देगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए पेज को। अब यहाँ पे मेन आपको क्लेम क्लेम के लिए काम करना होगा, तो पहले तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, हॉस्पिटल का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो हम देखेंगे, अभी हम अगर हॉस्पिटल सिलेक्ट करना जाएंगे, हमारा जो हॉस्पिटल है वो CRPF का हॉस्पिटल है, यहाँ पे किसी स्टेट का आपको सिलेक्ट करना नहीं होगा। यहाँ पे CAPF का हॉस्पिटल में अगर आप इलाज किया है तो CAPF को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। CAPF सिलेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना बोल रहा है, वो भी CAPF ही होगा, क्योंकि CAPF ऑल इंडिया का है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो हॉस्पिटल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे CAPF का अंदर कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर CAPF में ही आपने किया है तो आदर्श के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, जिस यूनिट का, जिस बेस हॉस्पिटल में आपने इलाज किया होगा उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस लिखना पड़ेगा, अपने आप आउट पेशेंट OP आ रखा है, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह किया, कुछ एक्सरे, ECG, ये सब बाहर से कुछ किया है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक्स
होस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एथ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपको वो स्पेस वगैरह यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो नीचे आधार का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रेस्क्राइब किया था तो इसलिए हम इसे क्लेम नहीं करूँगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिन लिस्ट, यहाँ पे हम मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। आपका प्रेस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपका बिल देख लीजिए, मेडिसिन का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। पहले एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आप मेडिसिन का नाम सर्च करेंगे, मेडिसिन का ब्रांड नेम नहीं, मेडिसिन का जो शॉप नेम है उससे सर्च कीजिए। जैसे मैं एक लुडुरा नाम का जो क्रीम है वो खरीदा था, उसका क्या लिखा हुआ है नीचे वो देख लीजिएगा, वो लुली कोनाजल देखिए, ये सिलेक्ट कर लूँगा। हम लुली कोनाजल यहाँ पे वो कर देंगे, और मेडिसिन का ब्रांड कौन सा कंपनी का है, मेरा वो सिप्ला कंपनी का था वो लिख दूंगा, और क्वांटिटी कितना था, दो था वो लिख देंगे, और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट में एक क्रीम का दाम लिखना है, वो अपने आप ले लेगा कितना दाम होगा। फिर ये लिखने के बाद आपको एड फार्मेसी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, एड फार्मेसी के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये बताया गया है फार्मेसी अटैच सक्सेसफुली, ओके। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे आ जाइए, दूसरा दवाई इसी तरीके से आप ऐड कीजिए। अभी जो है दूसरा मेडिसिन का नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और मेडिसिन का ब्रांड लिखेंगे, क्वांटिटी कितना है वो लिखेंगे, और उसका कॉस्ट तो एक टेबलेट का कॉस्ट लिख देंगे, आप उस हिसाब से लिखना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मेडिसिन लिस्ट में इट्राकोनाजल का नाम यहाँ पे लिखा हूँ, फिर उसका कंपनी ग्लेनमार्क का नाम लिखा हूँ, फिर क्वांटिटी मान लीजिए 30 मैंने खरीदा था, 30 कैप्सूल तो 30 यहाँ पे दिया, और एक कैप्सूल का दाम कितना होगा आप वो निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए। फिर लिखने के बाद आपको एड फार्मेसी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मेडिसिन मैंने यहाँ ऐड किया था तो दोनों मेडिसिन ऐड हो चुका है। अगर इसका अलावा आपका कुछ और चार्जेस है, मान लीजिए कोई चीजें खरीदा है उसके साथ जो मेडिसिन नहीं है, किसी चीज का बेल्ट वगैरह जो उसमें मेडिसिन लिस्ट में नहीं है, और जैसे इंजेक्शन का जो सीरिंज वगैरह ये सब है, तो जो चीज आपको खरीदा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ से एड में आधार चार्जेस में आपको लिखना होगा, फिर क्वांटिटी कितना है और आधार चार्जेस अलाइड कितना, ये आपको यहाँ पे चार्ज लिख के ऐड कर देना, ऐड आधार करना पड़ेगा। मेरे इसमें कुछ चीजें नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार में आधार से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको डेथ ऑफ ओपीडी आपको लिखना पड़ेगा, डेथ ऑफ ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डेथ ऑफ ओपीडी जो है वही होगा, डेथ ऑफ ट्रीटमेंट भी वही होगा, सेम आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभी यहाँ पे एड अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे एड अटैचमेंट के ऊपर हम क्लिक किया था और ओके बटन के ऊपर क्लिक किया था, तो यहाँ पे आपको रेफरल स्लिप पहले तो मांग रहा है, लेकिन ये रेफर नहीं हुआ है तो रेफरल से हमने नहीं करेंगे। तो अपलोड यहाँ पे इनवॉइस फार्मेसी बिल्स, पहले फार्मेसी बिल जो आपका बिल होगा वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। एक बार ध्यान दीजिए, आपका जो फाइल साइज है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम वो भी अपलोड कर देते हैं। इसे ओपन कर दिया, बिल अपलोड यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है, जिस हॉस्पिटल से आप इलाज कर रहा था, जिस MI रूम या बेस हॉस्पिटल से इलाज कर रहे हैं आप, उससे से उसी डॉक्टर से लिखवाना है कि ये मेडिसिन आपका जो इलाज के लिए यूज किया गया है तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, फिर उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देना है फोटो खींच के, तो हम वो भी अपलोड कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर का लिखा हुआ प्रेस्क्रिप्शन वो यहाँ पे डालना होगा, तो अभी अपलोड कर दीजिए आपके प्रेस्क्रिप्शन को। अभी जो तीनों चीज़ यहाँ पे ज़रूरत था मैंने देते रही था वो हम अपलोड कर दिया हूँ। फिर सबमिट बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट पूछ रहा है, हाँ भाई हम सबमिट करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। एक मैसेज आपका मोबाइल में आ जाएगा, आपका क्लेम जो है रेज हो गया है, और यहाँ पे आपका क्लेम नंबर भी दिखाई देगा ताकि आप भविष्य में उसे ट्रैक कर सके। दोस्तों इसी तरीके से आप CAPF रीइंबर्समेंट के लिए CAPF पर्सनल अपना मेडिकल क्लेम को आयुष्मान भारत के तहत क्लेम इनिशिएट कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जैसे आप आयुष्मान भारत का मेडिकल क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।